हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रोडक्ट इन्फो पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक्ने कंट्रोल एंड एक्ने मार्क कंट्रोल नेचुरल फेस सीरम। दोस्तों, इसे मैंने ऑनलाइन अमेजोन से परचेज किया है। तो दोस्तों, इसे खोल के देखते हैं कि ये किस पैकेजिंग में आता है। दोस्तों, ये इस तरह के कार्टन पैक में आता है जो कि पर्पल एंड व्हाइट कलर का होता है। ऑलमोस्ट डर्माको की जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो इसी तरह की कॉम्बिनेशन पैकेजिंग में आते हैं। दोस्तों, इसका नाम है द डर्माको 10% नियासिनामाइड फेस सीरम फॉर एक्ने मार्क्स। दोस्तों, एक्ने मार्क्स एंड एक्ने कंट्रोल के लिए बेस्ट सीरम में से एक है एंड ये लोगों द्वारा बहुत ही ज्यादा पसंद किया जा रहा है। इसके रिजल्ट भी काफी नेचुरल देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, द डर्माको का ये सीरम मुझे 30 ml की क्वांटिटी में मिला है एंड इसके प्राइस की बात करूं तो ये ऑनलाइन मुझे अमेजोन से 599 rupees का मिला है। थोड़ा महंगा है बट इट इज द ट्रू एंड नेचुरल फेस सीरम। ये हमारी स्किन पर बहुत ही ज्यादा नेचुरल वर्क करता है, तभी लोगों द्वारा पसंद किया जा रहा है। दोस्तों, इसके इंटरनल पैकेजिंग की बात करें तो इसमें आपको एक ड्रॉपर अलग से मिलता है एंड इस तरह के ग्लास बोतल में ये आता है। तो पैकेजिंग काफी इंटरेस्टिंग है एंड बेस्ट है। अगर आपकी स्किन पर एजिंग, फाइन लाइंस, रिंकल्स, पिंपल्स, पिगमेंटेशन, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो ये सीरम उन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। ये हमारी स्किन पर बैरियर की तरह काम करता है। वायरस, बैक्टीरिया, पॉल्यूशन, एनवायरमेंट जैसी काफी प्रॉब्लम से हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। दोस्तों, 10% नियासिनामाइड, विटामिन V3 एंड जिंक इसके स्टैंडर्ड इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारी फेस स्किन के लिए काफी अच्छे एंड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स में से एक है। दोस्तों, नियासिनामाइड, विटामिन V3 स्किन पर बहुत ही ज्यादा अच्छा वर्क करता है। इसमें एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो स्किन के एक्ने मार्क्स एंड डार्क स्पॉट एंड स्कार्स को रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं एंड पिंपल्स एंड एक्ने को वर्णी से रोकती हैं या मान लो उन्हें पूरी तरह से खत्म कर देती हैं एंड ये आपकी स्किन के ऑयल बैलेंस को कंट्रोल करता है एंड आपको पिंपल एंड एक्ने फ्री स्किन प्रोवाइड करता है। दोस्तों, साथ ही जिंक में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं एंड ये एक मॉइस्चराइजिंग एजेंट है जो पिंपल्स को कंट्रोल करता है एंड इसकी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पिंपल पैदा करने वाली जर्म से लड़ने में हेल्प करती है एंड ये स्किन को क्लीन करता है। ये स्किन में नमी बनाए रखकर स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है। दोस्तों, ऑल स्किन टाइप के लिए सुइटेबल एंड सेफ है एंड दोस्तों, ये पैराबिन, सल्फेट फ्री, मिनरल ऑयल्स एंड डाई से पूरी तरह मुक्त है। पिंपल के कारण होने वाले निशान के लिए इस सीरम में एक सेफ एंड इफेक्टिव फॉर्मुलेशन है। 3 to 6 weeks में आपकी स्किन में अंतर लाता है। दोस्तों, इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें प्योरिफाइड वाटर, नियासिनामाइड, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, ग्रिसलिन, जिंक PCA, डाई एथिलीन ग्लाइकोल, मोनो एथिल ईथर, फेनोक्सीथानोल, हाइड्रोक्सी एथाइल सेलुलोज, जिंक गम, सिट्रिक एसिड, एथिल हेक्सिल ग्रिसलिन एंड सोडियम ग्लूकोनेट। तो दोस्तों, ये हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। दोस्तों, इस सीरम के इंग्रेडिएंट्स भी काफी एक्टिव हैं। ये डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड एंड फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट है। द डर्माको इनके जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो सभी डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड एंड साइंटिफिक बेसिस पे बनाए जाते हैं एंड केमिकल फ्री होते हैं। एंड दोस्तों, ये सीरम स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। दोस्तों, ये बना ही एक्ने स्कार्स एंड एक्ने पिंपल्स के लिए है। इसके यूज से आपको वाकई में नेचुरल रिजल्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों, मैं इसका यूज बताती हूँ कि ये किस टाइप से यूज किया जाता है। दोस्तों, इसका टेक्सचर बहुत ही ज्यादा स्मूथ है। 2 to 3 drops अपने चीक्स पर लगाने हैं। मैं आपको इसे अपने हाथ पे लगा के दिखाऊंगी। दोस्तों, इस ड्रॉप की हेल्प से आपको 2 to 3 drops अपने चीक्स पर लगाने हैं और फिर हल्के हाथों से अपने फेस पर मसाज करनी है। दोस्तों, बहुत ही ज्यादा स्मूथ है। इसे लगाने के बाद कोई भी हैवी फीलिंग नहीं आने वाली है। मसाज करने के बाद ही आपके फेस पर अच्छे से सूख जाएगा एंड एक गुड फील देगा। दोस्तों, इस पे लिखा है कि नाइट एंड डे दोनों में ही इसे यूज कर सकते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट ये करना चाहूंगी कि अगर आप इसे पहली बार यूज कर रहे हैं तो इसे नाइट में ही यूज करें और वीक में 3 to 4 days यूज करें और फिर आपको अगर ये लगे कि ये सूट आपको हो रहा है तो फिर आगे आप डेज बढ़ा सकते हैं और दिन में भी यूज कर सकते हैं एंड फिर डेली भी आप इसको यूज कर सकते हैं, बट अगर पहली बार यूज कर रहे हैं तो नाइट में ही यूज करें। दोस्तों, अगर आप अपनी ऑयली फेस स्किन प्रॉब्लम से परेशान है, जैसे डार्क स्पॉट, स्कार्स, एक्ने पिंपल, पिगमेंटेशन से परेशान है और बहुत से प्रोडक्ट अपनी फेस स्किन के लिए यूज कर चुके हैं और कोई भी बेस्ट रिजल्ट आपको नहीं मिला है, तो एक बार आप इस डर्माको के 10% नियासिनामाइड सीरम को यूज जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोगों द्वारा बहुत ही ज्यादा पसंद किया जा रहा है क्योंकि इसके रिजल्ट वाकई में नेचुरल देखने को मिल रहे हैं एंड तभी ये फेमस हो रहा है। तो दोस्तों, एक बार आप इसे जरूर ट्राई करें। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। आपके एक लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है जिससे और भी अच्छी वीडियो हम आपके लिए बना पाते हैं एंड और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट करें जिससे हमारी न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।